गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद एंड आज हमारे सामने एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है जिनका नाम है दीक्षा मिनोचा। यस, आप इनको बहुत सुनने वाले हैं अखबारों में, हर जगह पे। इनका नाम है दीक्षा मिनोचा, ये हैं दिल्ली से, और सबसे अच्छी बात ये है शी हैज़ गॉट अ ऑल इंडिया रैंक 14, 14, आई मीन फ्यू डिजिट्स, नॉट 14,000, नॉट 14 लाख, ऑल इंडिया रैंक नंबर 14, मतलब जो लाखों लोग सपना देखते हैं। आज हमारे सामने है एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जिनका नाम है दीक्षा मिनोचा। सो मैम, हमारे शो में आपका स्वागत है एंड मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराएं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं आप? गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ दीक्षा मिनोचा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली एंड आई हैव डन माई बीएससी फ्रॉम होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन 2020। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। सो लाइक रिजल्ट जब ये आया, मैम मैं जानना चाहूंगा लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन, किसने देखा रिजल्ट, पहले तो ये बताओ, आपने देखा या पेरेंट्स ने देखा, किसने देखा? जब ये रिजल्ट आया ना सर, मैं ना नेक्स्ट नॉर्सेट की तैयारी करने की कोशिश कर रही थी, मतलब मैं ट्राई कर रही थी, अब चलो रिजल्ट नहीं आ रहा तो नेक्स्ट के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यूट्यूब पे जस्ट वीडियो चेक कर रही थी सर्जरी वाले सर की, रोहन सर की, तो मैंने जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं हुए थे उसको देखे हुए और एकदम से ऊपर नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया। तो मैं सर, मेरे तो उसी वक्त ना हाथ पैर कांप गए, भाई क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। तो कोई घर पे भी नहीं था क्योंकि मेरी मम्मा इज ऑल्सो वर्किंग, तो शी इज इन कमिंग फ्रॉम द इवनिंग शिफ्ट। तो मतलब मैंने बस गॉड से प्रे किया और उस रिजल्ट को खोला और उसके बाद अपना रोल नंबर सर्च किया, वो रोल नंबर आ गया। वो रोल नंबर 1800 सम सीरियल नंबर पे था। तो फिर उसके आगे देखा तो वो रैंक 14, मेरे को शॉक हो गया, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मा एक बार आप चेक करो। मैंने उनको फटाफट वो लिस्ट भेजी और रैंक भेजी, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला हाँ 14 ही है। तो फिर जाके मतलब तसल्ली हुई मतलब कि इतने मैं भी हजारों 14 लाख रैंक स्कोर कर सकती हूँ। बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही क्रेजी चीज है यार, मतलब हजारों लाखों में रैंक 14, मतलब इसमें पता लगता है कितनी मेहनत, कितना डेडिकेशन और कितना, मतलब इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका स्टडी अप्रोच कैसा था, अगर एक नया बच्चा हमारे इस वीडियो को देखता है, आपसे अगर कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहे, सो व्हाट वाज योर स्टडी अप्रोच टू गेट अ ऑल इंडिया रैंक 14? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो मैं लास्ट ईयर 2022 में भी बहुत मेहनत किया था, लाइक 5 मंथ्स मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा था, तो वो मेरी मेन मेजर पार्ट जो था क्रेडिट, वो वाली मेहनत थी। इस बार तो जस्ट 2 मंथ्स जब अनाउंस हुआ 3 जून को एग्जाम होने वाला है, तो उस टाइम पे मैंने पहले तो अपना बीच में वो हो गया था, एकदम गैप आ गया, पढ़ाई छोड़ी थी। तो उसको अब सोचा क्या करूँ, तो मैंने अपना थ्योरी पार्ट क्लियर करा, जहां से मतलब मैंने कोचिंग ली है, मैंने वही नोट्स को अच्छे से पढ़ा, अपने थ्योरी को क्लियर करा, और उसके साथ साथ मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे बस वही सॉल्व करती थी। और मतलब सर यही कहूंगी कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेरे में थोड़ा वो ब्रेक हो गया था, बट कंसिस्टेंसी से पढ़ा और थ्योरी क्लियर होनी चाहिए आपकी। और मतलब मैंने इस बार ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर पाई, बट जो PYQs होते हैं जो मुझे यूट्यूब से मिले, जो मैंने फास्ट ट्रैक क्लासेस देखी एनएनएल की यूट्यूब पे, जो फ्री में अवेलेबल थी, फ्री उनके ऐप में अवेलेबल थी, मतलब थोड़ी से ज्यादा मतलब मैंने अपने आप को कवर किया था बिल्कुल, क्वेश्चन तो आई थिंक मेजर। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में, कि यू आर कंसिस्टेंट इनफ टू रिमेम्बर एंड रिटेन एंड डू एज मेनी PYQs एज पॉसिबल। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब कुछ ऐसा, कोई एक डूज एंड डोंट्स कुछ बताओ, ऐसी कोई गलती जो आपने प्रिपरेशन दौरान की, जो हमारा आने वाला स्टूडेंट आपको सुने और वो ना करे, ऐसा कुछ? सर गलती तो लाइक सब बोलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे थे, मतलब मैंने लास्ट नॉर्सेट में भी बहुत कम करे थे और इस बार भी मैंने बहुत कम करे थे, क्योंकि इस बार तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। बट फिर मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करना चाहिए उसको सुधारने के लिए, तो मैंने वो मुझे किसी ने एडवाइस किया था NNL का टेस्ट सीरीज लेने के लिए, बट मैं नहीं ले पाई थी। तो मैंने जो फ्री टेस्ट अवेलेबल थे उनके ऐप में मैंने वही किए, और जो मतलब सब बोलते टारगेट हाई पढ़ो, PR यादव पढ़ो, तो मतलब मैंने टारगेट हाई के पीछे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना उस पे ज्यादा फोकस करते थे, PYQs, और जो साक्षी मैम ने पढ़ाए थे, डाउट सेशन भी इवन यूट्यूब पे हुए थे वो भी देखे, और इवन जो आपके वो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना जो आप एकदम रियल में बना के भेजते हो, बहुत यूजफुल थे, मतलब वही हाँ, सब देखा था।
अच्छा तो नहीं ये मेरी देखो मिस्टेक, क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई थिंक मैं जो हमारी ऑडियंस देख रही है मैं बताना चाहूंगा सबको, हमारे सामने एक बहुत ही प्यारी है दीक्षा मिनोचा फ्रॉम दिल्ली, ऑल इंडिया रैंक 14, हु हैज डन अ कमेंडेबल जॉब इन यू नो हैविंग दिस नॉर्थ स्टेट एग्जाम। तो पॉइंट नंबर वन, मैम ने बोला कि कंसिस्टेंट रहें, जैसे भी पढ़ो कंसिस्टेंट रहो, और मैम ने कहा है कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना है, जो थोड़ा सा मैम चूक गई थी, पर चूक कर अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 14 आ गया तो करा होता तो कितना रैंक आता, मैं तो ये सोच रहा हूँ, लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है। मैम एक और मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मतलब इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं एक दिन पढ़ लूंगा, 2 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लेकिन फिर इंसान कभी कभी थक जाता है या हताश हो जाता है या इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो वो जो नेगेटिव का जो डिप जाता है हमारा, वो मोमेंट कैसे आपने अपने आप को इंस्पायर किया? सर मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो मुझे याद करती थी ना, तो लगता था नहीं यार करना है और करके दिखाना है। तो लाइक अगर आप डिप हो रहे हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा पर्सन, या आपका फ्रेंड, आपकी मम्मी, आपके पापा, कुछ तो कोई तो होता होगा जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में भी मतलब मेरे एक सर थे कोचिंग की, तो मैं उनसे हमेशा बात करती थी कि मतलब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से हो भी नहीं पाएगा ये वो। और मतलब उनसे मैं हमेशा मतलब कहते हैं ना, मतलब रोती भी थी कि नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा। और फिर कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे डिच किया कि लाइक दे नो अबाउट ऑल दिस, हाउ टू प्रिपेयर, बट दे डिडंट टेल मी। तो मैं सोचती थी नहीं यार मुझे इनको करके दिखाना है। और एक बारी मैं ये इमेजिन करती थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, तो वो दिन कितना मतलब मैं कैसा फील करूंगी, मुझे वो फील करना है। तो मैं वो सब सोचती थी। और सेकेंडली जो आप पढ़ाते थे और उसमें जो आप कोट्स बताते थे ना मोटिवेशनल, वो मैं अपनी कॉपी में लिखती थी वहीं पे, तो मैं उनको पढ़ती थी। कुछ सॉन्ग ऐसे जो मोटिवेशनल थे वो सुनती थी, जस्ट ये बिल्कुल सब बिल्कुल, देखो मोटिवेट कहते हैं ना करता कि था। देखो कहते हैं कि बूंद से ही सागर बनता है, और हमें मोटिवेट भी अपने आप को खुद ही करना है, अगर परेशानी हो रही है तो हल भी खुद ही निकालना है। तो मैं हमेशा वही कहता हूँ ना कि जिंदगी भगवान की एक बहुत महंगी गिफ्ट है, तो उसको जितना हो सके अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए कोशिश करो। आपने बहुत अच्छे से, आपने यू आर अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, जो फ्रेंड्स ने डिच किया या जो प्रॉब्लम्स लाइफ में हुई, तो आपने वो नेगेटिव ना लेके, बिल्कुल डाउन ना जाके, आपने उसको ही सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया कि नहीं अब तो करके दिखाएंगे जो मर्जी हो जाए, और देखो आज आप यहाँ पे हो, कितनी अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, कि ऐसा कुछ था जो आपने सब्जेक्ट्स ना पढ़े हो? कभी कभी एक बच्चों में मिथ होता है कि यार 10, 12, 8, 9 सब्जेक्ट कर जाओ, बाकी तो छोड़ दो, मेजर सब्जेक्ट से ही आता है, माइनर से नहीं आता। आपका क्या अप्रोच रहा था इसमें? सर ऐसा तो नहीं है, पढ़ना तो सारा पड़ता है, बट जैसे मेरे जो माइनर सब्जेक्ट्स थे वो मैंने लास्ट ईयर कवर करे थे अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम था। बट इस बार टाइम नहीं था तो मैंने मेजर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखा, क्योंकि जो मतलब एक बार एग्जाम दे दो तो आपको समझ आ जाता है कि कहाँ से पेपर आता है बेसिकली। तो मैंने मेजर सब्जेक्ट को टारगेट रखा था। माइनर के लिए जो मैंने लास्ट ईयर सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें से कुछ पॉइंट्स वाइज मैंने एक दो पेजेस में बना लिए थे, जैसे कि हमारा रिसर्च आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, और ये सोशियोलॉजी, इनके मैंने थोड़े से पॉइंट्स बना लिए थे। और मैंने एग्जाम से एक दो दिन पहले भी से रीड करे थे कि अगर कुछ भी उसमें से आए तो मेरे को कुछ तो ध्यान हो, कुछ तो मैं पढ़ पाऊँ। तो बस यही है कि माइनर सब्जेक्ट्स को छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम कभी कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए, तो हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल। एंड उसका क्या आपका कहना है कि कई मतलब बहुत बच्चे हमें ये क्वेरी डाउट पूछते हैं कि क्या हम अपनी पढ़ाई और काम साथ साथ कर सकते हैं, वर्किंग एंड स्टडिंग टुगेदर? इसका बहुत, क्योंकि हर कोई सिंपल फैमिली से है, लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं और यू नो काफी चीजें करना चाहते हैं, तो आप खाली पढ़ाई कर रहे थे या यू आर वर्किंग समवेयर ऑल्सो? आपने कैसे किया? नो सर। मैंने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैंने जॉब कर रही थी मैं ऑलरेडी, उसके साथ ट्राई किया, मेरे से नहीं हो रहा था, मैं उतना एफर्ट नहीं डाल पा रही थी। क्योंकि आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, टाइम नहीं निकल पाता आप जितना भी ट्राई कर लो। तो मैंने जॉब छोड़ा था, मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड एंड माई सर मोटिवेटेड मी कि तू कर सकती है, तू कर ले जॉब, उन्होंने श्योरिटी ली थी तू कर लेगी। और उसके बाद सर मतलब मैंने जॉब छोड़ के पढ़ा है, और पूरा पूरा दिन पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पूरा पूरा दिन मतलब पढ़ा है। ब्रेक्स भी लेती थी, ये नहीं है कि सोना नहीं है, बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं है, घूमा भी है, बट मैंने तो, मेरे को तो जॉब छोड़ के पढ़ना ज्यादा बेटर लगा विद जॉब, रादर देन कि बिल्कुल मैं जॉब के साथ बिल्कुल, नहीं कर पा रही।
अगर हाँ, क्योंकि इंसान थक भी जाता है और इतना सारा काम होता है, सिलेबस अपनी जगह है, और इवन आपके प्राइवेट सेक्टर में इतना डिमांडिंग वर्क है आजकल नर्सेस का, और पेशेंट इतने सिकाते हैं, तो बिल्कुल या तो इस तरफ या तो उस तरफ, वही एक ही चीज करनी पड़ेगी आपको। और इवन सर नाउ डेज इस एग्जाम्स का पैटर्न भी बहुत लेवल बढ़ चुका है, तो इसलिए से मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा पढ़ना इज नॉट इनफ, हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो हानी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये आई थिंक मैं सारे हमारे स्टूडेंट्स को भी कहूंगा, सिर्फ रटा रटाया या कॉपी पेस्ट चीजें ना पढ़ें। लोग एमसीक्यू रट के चले जाते हैं, टॉपिक को समझने की यस कोशिश सर करें कि अगर आप वहाँ नर्सिंग स्टाफ होते तो आप सबसे बेस्ट क्या करते। हमेशा आजकल ऐसी लीडिंग क्वेश्चंस आते हैं, और देयर आपका क्लिनिकल, जितना आपने पढ़ रखा हो फिर आपका वो क्लिनिकल नॉलेज काम आते हैं कि मैंने इतना पढ़ा हुआ तो मेरा जजमेंट कहता है कि ये आंसर होगा, एंड देन नेचुरली यू विन द शो इन द एंड। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब आप मतलब जैसे वीकेंड्स पे या अपने आपको ब्रेक्स कैसे देते थे आप? क्या वो खाली 10 मिनट के ब्रेक होते थे? क्या आप मूवीज देखते थे या गाने सुनते थे, या बहुत ज्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पे करते थे? क्या बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? सर, जब लास्ट ईयर मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने जॉब छोड़ी थी जस्ट फॉर दिस सिलेक्शन कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो उस टाइम पे ना मुझे मूवीज अच्छी लगती थी ना मुझे गाने अच्छे लगते थे, क्योंकि मम्मी से भी एक था, घर से भी एक था कि तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तू फालतू में, मतलब मुझे लगता था मैं जनरल कैटेगरी, क्यों मेरा नहीं होगा, मतलब मैं बेकार में ही ऐसे मेहनत कर रही हूँ, मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो मतलब मन भी नहीं करता मूवीज और इन सब का, बट हाँ मेरे मेरे फ्रेंड्स थे तो मैं जाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी नहीं मैं 6 महीने बंद होके पढ़ूंगी, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आप 20 दिन पढ़ लोगे, 25 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन आपको जाना ही पड़ेगा बाहर, आप नहीं पढ़ सकते। तो मैं बिल्कुल जाती थी, मैं वीकेंड्स में जाती थी, मैं मंथ में एक दो बार चली जाती थी। और मोबाइल सोशल मीडिया सर मेरे को तो बहुत शौक है, तो लास्ट टाइम तो मैंने यूज नहीं किया लास्ट ईयर, इस साल बहुत कोशिश की, रात को डिलीट करती थी, नेक्स्ट डे रात को इंस्टॉल कर लेती थी थोड़ा सा देखने के लिए। तो कोई बात मतलब नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक बैलेंस अगर रखे रखो तो कोई बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। पर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही हो। आजकल उल्टा हो गया है, लगता है टेक्नोलॉजी हमें यूज करें, हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो बैलेंस आई थिंक रखना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक? exactly sir, you are right. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा हमारे सारे के सारे ऑडियंस को, हमारे पास है दीक्षा मिनोचा जो दिल्ली से है, रजौरी गार्डन से है, एंड शी हैज ऑल इंडिया रैंक 14। इतने सारे ऑप्शन उनके खुलने वाले हैं इस बार, और जिंदगी में इतना अमेजिंग होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ऐसी अमेजिंग रैंक आए, तो मैम ने बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताए हैं। नंबर 1, मैम ने कहा है कि कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ। ऑल्सो शी हैज स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर के अच्छे से कर लो। इवन फास्ट ट्रैक की फ्री वाली क्लासेस से उनको इतना नॉलेज मिल गया, अगर पेड क्लासेस हो या सारा का सारा पैक अगर लें तो आई थिंक एक नए स्टूडेंट को और भी फायदा होना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम मैम ने बोला कि अपनी जिंदगी में नेगेटिव प्रॉब्लम्स को एक उसमें बाधा ना बना के उसको एक मोटिवेशन का कारण बनाएं, जिससे आपका एक रैंक आ जाए। जो डॉक्टर, अब आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल रोल प्ले करती हैं। मैम ने और कहा है कि वर्क एंड स्टडी एट द सेम टाइम, मेक श्योर कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब को क्विट करके कुछ महीने आप डेडिकेटेडली अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। आपके लिए भी ईजी होगा, और एक बार रैंक आ जाएगा तो पैसा ही पैसा है, फिर इतना कोई स्ट्रेस वाली बात है नहीं। आखिरी सवाल मैम मेरा आपसे एक ये है कि अब इतने लाखों लोग आगे ये इंटरव्यू देखेंगे, हर साल आपको सुनेंगे, कोई ऐसी एडवाइस या ऐसा कोई एक कोई मोती की तरह ऐसा कुछ बताना चाहें जो हमारी आगे जनरेशन है उनको एक बहुत हेल्प हो, जो आपने छोटी मोटी गलती की जो आप चाहें कि नेक्स्ट वाला बंदा या बंदी ना करें, तो ऐसा कुछ? ऐसा सर मतलब पता है आजकल मैंने नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक कोचिंग को बिलीव नहीं करते। मैं ये कहती हूँ जो आपका पेरेंट कोचिंग है उसको बिलीव करके पढ़ो, आप कंटेंट दूसरी जगह से देख सकते हो, एड ऑन करो, बट हर बुक, मतलब वो कहने वाली बात है ना कि 10, मतलब एक बुक को 10 बार पढ़ लो, 100 बार या मतलब 10 पढ़ने से किताबों को अच्छा एक बार 100 पढ़ने से बुकों अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। या एक बार पढ़ लो, तो उस पे बिलीव करके पढ़ो। और आप, और मैं ही नहीं कह रही, और चीजें नहीं देख सकते जहां से भी कंटेंट मिले, क्योंकि मैं तो पढ़ती थी, मुझे यूट्यूब में जहां से भी मिलता था मैं पढ़ती थी। और मैं कहूंगी अपने आप को इवेल्युएट करते रहे साइड बाय साइड, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मतलब टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा टेस्ट जो होते हैं NNL में मैं वो भी देती थी, मैं बताना भूल गई, मैं वो भी देती थी, सारे टेस्ट देती थी। बिल्कुल और जो टेस्ट दे रहे हो सिर्फ टेस्ट नहीं देना, उस टेस्ट को इवेल्युएट करना है, उसको सॉल्व करना है, अपने रिटनली सॉल्व करोगे तो बहुत कहीं ना कहीं फायदा होगा, और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हम लोगों में ये होता है कि हम गैप दे देते हैं, तो वो एट दी एंड बहुत प्रेशर आ जाता है।
इतना, और मैं कहना चाहूंगी अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो लगता ही नहीं था कि मेरा होगा, और नहीं मतलब नहीं बहुत अच्छा हुआ यार, आगे तो बहुत अच्छा होगा यार, बहुत अच्छा होगा। मतलब बोल बिल्कुल मोदी की तरह मैम ने, बिल्कुल डॉक्टर दीक्षा जी ने बात बिल्कुल सही की है कि टेस्ट दो पहली बात, और टेस्ट देके छोड़ मत दो, टेस्ट देके इवैल्यूएट करो कहाँ गलती रह गई, क्यों गलती रह गई, अगली बार कैसे अच्छा हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं, बस टेस्ट दिया और छुट्टी, पर कहानी तो वहाँ आधी खत्म होती है। आधी कहानी तो है कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना, कहाँ गलत था, कौन सी लाइन गलत थी, क्योंकि इस बार अगर क्लिनिकल फीचर पूछा तो अगली बार मैनेजमेंट पूछेंगे। टॉपिक नहीं बदलता, टॉपिक वही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का नजरिया बदल जाता है। तो ये आपने चीजों को बहुत वो रखा, और आई थिंक हमारे आगे आने वाले सारे स्टूडेंट्स को मेगा टेस्ट का कंसिस्टेंट रहना, PYQ देना, और लाइफ की प्रॉब्लम्स को रोते ना रह के उनको एक एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का, आई थिंक एक आप एक बेस्ट उदाहरण है मेरे ख्याल से। सो बहुत बहुत थैंक्स दीक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मच सर। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।